देखो इसको बोलते हैं मात्र एवं बाल सुरक्षा कार्ड, यानी माता और बच्चे के सुरक्षा के लिए ये कार्ड बनाया गया है। कैसे सुरक्षा होगा? जब आप इसको संभाल के रखेंगे। संभाल के क्यों रखेंगे? वो इसलिए कि आपके बच्चे को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए जो टीका लगता है ना, उसका लेखा जोखा इस पर चढ़ता है। चढ़ाने के मुंशी जी कौन है? हमारे एनम बहन जी। मुंशी का नाम सुना है? पहले बहुत आड़ा तोड़ा चलता था, राजवाड़े के समय एक मुंशी जी हुआ करते थे कि खजाना सा कितना मोहर जो है निकल के किसको दिया जाना है, ये मुंशी जी से हिसाब किताब ले लो। चंद्रकांता और जो है महाभारत रामायण में सुना था ना, मुंशी जी होते थे ना। तो ये जो है इस किताब का मुंशीगिरी हमारे बहन जी करती हैं। आपके जीवन को बचाने के लिए कौन कौन सा जीवन रक्षक टीका दिया है ना, इसका हिसाब किताब इस पर होता है। ये हिसाब किताब लिख करके ये आपको दे देती है कि इसको बहुत संभाल के रखना है। आपको कितने साल तक संभाल के रखेंगे? जब तक कि बच्चे को पूरा टीका न लग जाए। पूरा टीका कब तक लगता है? 5 से लेकर 6 साल के बीच में DTT बूस्टर लगता है। कितने साल तक इसको बचा के रखेंगे? कितने साल तक? बोल जाते बोल रही बात है। कितने साल तक? जब तक हमारा बच्चा है तब तक रखेंगे। इसको रखिए, और रखने से पहले इसमें जो है ना, एक और सरकार ने बोला है कि ये देख रही हैं, ये क्या है, एक प्यारी सी मम्मी जी हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा है, यही है ना। तो ऐसे ही अपने बच्चे का भी फोटो जो है खिंचवा करके इस पर लगा दीजिए। बच्चे मम्मी पापा के साथ या बच्चे का फोटो इस पर लिखा भी है, यहाँ बच्चे की तस्वीर पेस्ट करें, यानी चिपकाएं तस्वीर बच्चे की, इस पर लगा दीजिए। लगाने से इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी भाई। ये लगा रहेगा तो क्या उठाकर हम कहीं ऐसे फेंक देंगे इसको? नहीं फेंकते हैं ना, क्योंकि इसमें हमारे बच्चे की तस्वीर लगी हुई है ना। इसकी जो देखभाल है ना, हमारे दिल और दिमाग से दुगना हो जाएगा, हो जाता है ना। तो इसमें जिसके पास भी कार्ड हो, जैसे देखो इनके पास है, बहन जी के पास कार्ड है ना, देखो संभाल के रखी है, भले थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन संभाल के रखी है। अब इसमें ये बहन जी जो है अपने बच्चे का फोटो चिपका देगी तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी ना। तो जिसके जिसके पास कार्ड है वो अपने अपने घर पर जा करके फोटो खिंचवा करके इस पर लगा देंगे। हम अगले सत्र में आकर के देखेंगे ये नेक काम किन किन लोगों के द्वारा हुआ है। कर लेंगे ना। हाँ जरूर करवाइएगा आप लोग। अब देखो ये इसलिए महत्वपूर्ण कार्ड है, ये तो आपके आपका विवरण है कि आपका नाम क्या है, आपके पति जी का क्या नाम है, आप कहाँ प्रसव कराएंगी, है ना, आपकी आशा कौन है, आंगनवाड़ी कौन है, एनम कौन है, जन्म का विवरण है ना, ये पहले पेज पर है। अब इधर बढ़ेंगी तो आपको एनम बहन जी ने कौन कौन सी सेवा दिया है ये इस पर दर्ज होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगी तो आपकी पेट की जाँच, आपकी शुगर BP पेशाब की जाँच हुआ, ये उस पर लिखेंगे। आगे यदि आपके परिवार में कोई इस तरीके से मिलता है, मतलब ये ऐसे करके देखा, मतलब क्या है, खून देख रहा है कि आपके पास खून है कि नहीं है, मतलब खून की कमी वाला कोई ऐसा दिखता है, झटके आने वाला या पतले दुबले या प्रसव होने में समस्या किसी को दिखता है, तो आप तुरंत अपने एनएम बहन जी को बताएंगे कि हाँ हमारे इस परिवार में ऐसी महिला गर्भवती है जो इनको ये समस्या हो है, अभी ये समस्या है तो आने वाले समय में समस्या और हो सकती है ना, प्रसव के दौरान हो सकती है ना, ये उसके लिए। अब ये प्रसव के बाद भी कौन कौन सी जांच हमारे बहन जी के द्वारा किया जाता है ये इस पर विवरण लिख के देंगी। ये सोचिए कि आपकी पूरी कहानी, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कौन सी सेवा दे रही है, सब इसमें दर्ज करिए, एनएम बहन जी सब दर्ज करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अभी आज के 3-4 साल पहले
ये कार्ड मात्र 2 पेज का था, हाँ ये बस 2 पेज का था, इतना ही मोटा। लेकिन अब सरकार ने आपके समझ और इसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए इसको 40 पेज का कर दिया। ये किताब 40 पेज का हो गया। सरकार 40 पेज क्यों किया? पेज बढ़ाने में उनका पैसा खर्च हो रहा है ना, सरकार का हो रहा है ना। लेकिन पैसा खर्च तो हो रहा है, खर्च होने के साथ साथ यदि ये इस किताब की जानकारी आप तक पहुंच जाती है अच्छी तरीके से, आप इसके मुताबिक काम कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी बच जाती है, सरकार का पैसा लगाना सफल है। नहीं, सरकार जितनी भी काम कर रही है हमारे विकास के लिए, हमें सुविधाएं देने के लिए, हमारे जीवन बचाने के लिए कर रही है। सरकार का कोई ऐसा स्कीम है जो हमारे जीवन लेने के लिए काम कर रही हो? कोई बतावे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना जो हमारा जीवन लेने के लिए काम कर रही है। हमें जीवन देने के लिए, जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए काम कर रही है ना। ये 2 पेज से 40 पेज बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको जानकारी का जो स्तर है ना वो और बढ़ जाए, वो दुगना हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए, आप अपने नवजात शिशु को कब कब क्या क्या देंगे। ये नीला वाला है सही है, लाल वाले में पहुँचेंगे खतरे वाले में, मतलब ये स्थिति में है तो खतरा है। नीले वाले में तो ठीक है, आप सही अपने बच्चे का केयर कर रही हैं, कब कब दूध पिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है ना। ठीक है, अब जो है इसके बाद पहुँचेंगे तो ये दस्त के बारे में दे रहा है। बच्चे को दस्त होता जानती, दस्त क्या है? ज़्यादा ज़्यादा उल्टी होना, टट्टी होना, ये इसके बारे में सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप पढ़ेंगी, आपको जानकारी होगा, आप उस तरीके से व्यवहार करेंगी, आप भी सुरक्षित, आपका बच्चा भी सुरक्षित। तो बताओ। ठीक है, पूजा अर्चना सब लोग सुनिए। हाँ तो ये, हाँ तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर ना। ठीक है, अब ये देखो दस्त का रोकथाम कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसके बारे में दिया हुआ पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे आपके बच्चे, आपका बच्चा हो गया, कौन से महीने तक क्या क्या देंगे ये उसके बारे में दिया हुआ है। देखो 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध, बाहरी कुछ नहीं। माँ का दूध कम हो तो खान पान माँ बढ़ाएंगी, दूध बढ़े, दूध बढ़ जाए, खान पान होगा तब ना, पिलाने का तरीका जान जाएंगी आप ना। तो ईश्वर की एक ऐसी खोज है माँ कि बच्चे को दूध पीने के लिए कमी नहीं है, जी जान लीजिए। बस हमें जैसा बोला जा रहा वैसा करते रहेंगे। माँ एक बहुत बड़ी ईश्वर की खोज है, जरूरत पूरी हो जाती है बच्चे का जैसे जैसे पेट बढ़ता है, इसीलिए 6 महीना ही बोला है। 6 महीने के बाद, वास्तव में आप सही बात बोल रहे हैं कि 6 महीने के बाद उतना दूध नहीं बनता है ना, क्योंकि बच्चे का पेट तो बड़ा होने लगता है और दूध बनना कम होता है धीरे धीरे। तभी 6 महीने बाद आप बच्चे को अर्ध ठोस आहार, अर्ध मतलब आधा, जैसे उबला हुआ आलू मिक्स करके दे सकती हैं, चावल का माड़ उसको दे सकती हैं, दाल का पानी, केला, लेकिन अपना दूध साथ में पिलाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर का आहार दे दिया तो अपना पिलाना दूध छोड़ दिया, अपना ही पिलाते रहिए, क्योंकि आपके दूध में इतनी ताकत है ना, वो उसमें नहीं है जो बता रहे हैं, वो सिर्फ बच्चे को पेट भरने में मदद करेगा, लेकिन बच्चे को ताकत कहाँ से मिलेगी, वो आपके दूध से मिलेगी। नहीं, यही तो गलत है, इसीलिए बच्चा हमारा बीमार होता है, पशुहार खिलाए तो आज 3 महीने में 6 महीना का जो है, सभी लोग 6 महीना वाला जो है गारंटी लीजिए कि हम 6 महीना तक माँ का दूध पिलाएंगे। ठीक है, 2 साल पी लेते हैं लेकर के 2 कौन सी चीज देंगे वो दिया हुआ है। एक बार अपने घर पर, एक बार घर पर बैठे जहेवा के दिशा में अपने बच्चों से घर पर पढ़वाइए के बारे में, कार्ड में वास्तव में है क्या, ये कार्ड मेरे लायक है या नहीं है। आप पढ़ लेंगे ना, जान जाएंगे तो आपको लगेगा कार्ड ये वास्तव में मेरे लायक है। आज की जो ये ऐसे जो
बनाया गया है, निजात किया गया, बहुत अच्छी निजात है सरकार की। आप इसको पढ़िए, आपके बच्चे बच्चे का लालन पालन पोषण के लिए पूरी जानकारी है। मतलब 3 महीने का हो जाएगा तो क्या देंगी, बच्चा कैसे मतलब आपकी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है। छोटा बच्चा होता है ना कि आप आवाज़ इधर करते रहेंगी लेकिन वो देखता नहीं है, कब कब अवस्था उसकी होती है, कब कब वो रंग को पहचानता है, कब माँ के किलकारी को पहचानता है, कब आवाज़ को पहचानता है, ये सब कौन सी उम्र में पहचानता है, ये सब दिया हुआ है इसमें, इस कार्ड में सब दिया हुआ है। आप पढ़िए बस, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि माँ के चेहरे को पहचानने की शुरुआत कब होती है, 2 से 3 महीने में बच्चा माँ के चेहरे को पहचानना चालू होता है। 2 से 3 माह में बच्चा पहचानने लगता है। यही हमारी माँ है जिन्होंने हमें जन्म दिया। नहीं पता होगा कि हमारा बच्चा हमको कितना दिन पहचान रहा है। समझ रही है, ये 2 से 3 महीना में बच्चा पहचानना चालू करता है कि मम्मी हमारी असली यही है, अब पहचाना था। समझ रही है, अब पर्ची को देख कर मुस्कुराने लगता है, उसी आप कुछ बोलेंगे तो आपकी तरफ देखने लगेगा। कब होता है, 2 से 3 महीना के लिए, उस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो हमें एक्टिविटी कराने की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा।